एक समय था जब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में खौफ का दूसरा नाम संपत नेहरा हुआ करता था। वही संपत नेहरा जिसने साल 2018 में एक्टर सलमान खान को मारने की सुपारी ले ली थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए हैदराबाद भी पहुंच गया और सलमान खान की रेकी तक कर ली। वो वारदात को अंजाम देने वाला ही था कि हरियाणा पुलिस के एसटीएफ को खबर लग गई। उसके बाद एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी कर उसे एक लॉज के अंदर दबोच लिया। संपत नेहरा मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले में राजगढ़ तहसील के थलैड़ी गांव का रहने वाला है। हालांकि उसका बचपन चंडीगढ़ में बीता है। दरअसल उसके पिता रामचंद्र नेहरा चंडीगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। उसके पिता चाहते थे कि ग्रेजुएशन के बाद वो भी पुलिस में भर्ती हो जाए। वही आपको बता दे कि लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा से एक साल सीनियर था। दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में उतरे, लेकिन शुरुआत में ही झगड़ा हो गया और यही इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी झगड़े का बदला लेने के बाद ये दोनों अपराधी बन गए। दोनों मिलकर पहले छोटी मोटी और फिर बड़ी वारदातों को अंजाम देने लग गए। अधिकारियों के मुताबिक संपत ने पहली बार साल 2015 में एक कार लूट को अंजाम दिया था। ये वारदात इसने अकेले को अंजाम दिया था और इसी मामले में वो साल 2016 में अरेस्ट भी हुआ, लेकिन जून 2017 में पुलिस कर्मियों को धक्का देकर वो फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक इस बदमाश के खिलाफ 5 राज्यों में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मुकदमे डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास और फिरौती के हैं। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने काला हिरण के शिकार मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान की सुपारी ले ली थी। हालांकि टारगेट बड़ा था, इसलिए उसने वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने सबसे खास शूटर संपत नेहरा को सौंपी। इनपुट था कि किसी फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान हैदराबाद में रुकने वाले थे, इसलिए संपत 16 दिन पहले हैदराबाद पहुंचा और एक पीजी में रह रहे एमबीए की पढ़ाई करने वाले 2 छात्रों के साथ ठहर गया। संयोग से हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने उसकी ये बातचीत को ट्रैक कर लिया। इसके बाद हैदराबाद पहुंची एसटीएफ की टीम ने वहां लोकल पुलिस की मदद से संपत नेहरा को धर दबोचा और यहीं पर खत्म हो गई एक गैंगस्टर की नामोनिशान।